अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर। मुख्य मान निकालना है, क्या निकालना है? मुख्य मान निकालना है। मुख्य मान निकालने के लिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जैसे कि साइन इनवर्स माइनस अंडररूट 3/2, इसका मुख्य मान आपको निकालना है। देखिए बहुत ही प्यारा सवाल है, इसका मुख्य मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको y बराबर मान लेंगे, साइन इनवर्स माइनस अंडररूट 3/2, ठीक, ये हो गया। अब इस साइन को इधर ले आएंगे इनवर्स को, तो कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा ये माइनस अंडररूट 3/2, ठीक। अब देखो ये ध्यान से रखिएगा, बस ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, दो कॉन्सेप्ट हैं बस इसमें, ये साइन y हो जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस, ये वाली देखिए साइन में वैल्यू कितने की होती है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60, और साइन 60 को बोलते हैं पाई बट्टे 3 बोलते हैं, ठीक है, पाई बट्टे 3 बोलते हैं, ये हो जाएगा। तो साइन वाई बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस, देखिए माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन माइनस थीटा, या यूँ कहिए साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दोगे तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस पाई बट्टे 3, इतना साइन से साइन कट गया, वाई बराबर माइनस पाई बट्टे 3, ये हो गया आपका उत्तर, ठीक, ये उत्तर हो चुका है आपका। चलिए लेकिन यही चीज़ यदि और एक और सवाल है जिसमें आपका ये इस तरीके से आ जाए, यदि ये कॉस इनवर्स माइनस 1/2 आ जाए, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 आ जाए, तो कैसे करोगे, तो वही काम करेंगे, वाई बराबर कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लिख लेंगे, कॉस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, कॉस वाई हो जाएगा माइनस 1/2। अब ये कॉस में देखिएगा, कॉस में कितने की वैल्यू होती है 1/2, तो आप कहोगे कॉस 60 की, और 60 को पाई बट्टे 3 लिखते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है देखिएगा, माइनस कॉस थीटा क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिए, माइनस कॉस थीटा आपका प्लस का कॉस थीटा नहीं, ठीक है, इसको बोलेंगे आप पाई माइनस थीटा, क्या होता है, पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा कॉस थीटा। तो उसी लिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे बोलेंगे हम इसको कॉस पाई माइनस पाई बट्टे 3, इतना लिख देंगे, ठीक है, ठीक। 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो वहाँ पे हम ये लिख देंगे। तो ये हमेशा याद रखना कि जब भी कभी भी कॉस के साथ में, कॉस या सेक के साथ में माइनस आता है, तो उसको हम पाई माइनस 1/2, पाई माइनस पाई बट्टे 3, जो भी यहाँ पे होगा उसको लिख देंगे, ठीक है। तो ये कॉस वाई, कॉस वाई, कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा कॉस वाई, अब इसको सॉल्व कर देंगे हम, कितना आ जाएगा ये कॉस, देख लीजिए ध्यान से आप इसको सिंपल तरीके से, यहाँ से कॉस खत्म हो जाएगा, वाई बराबर कितना बचेगा, पाई माइनस पाई बट्टे 3 बचेगा, इसको सॉल्व कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में से गए तो 2 पाई बट्टे 3, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। जल्दी से कर लीजिए, कितना आ जाएगा ये बराबर, ये प्रूफ करना है आपको, कैसे करोगे देखिएगा, हम मान ले रहे हैं एलएचएस मान ले रहे हैं हम, या आप सिंपल तरीके से समझ लो, माना, मान लिया मैंने y बराबर साइन इनवर्स माइनस x, ये मान लिया साइन इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, साइन y हो जाएगा, ये माइनस का x बचेगा, तो साइन y बराबर कितना आ गया, माइनस का x आ गया, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये माइनस इधर ले आएंगे तो माइनस का साइन y हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा हमको क्या चीज़ प्रूफ करनी थी, ये चीज़ प्रूफ करनी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिएगा, अब आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये y की वैल्यू आप लिखना चाहो तो ये लिख दोगे, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए, देखिए क्या क्या करना है आपको, साइन हमने क्या बताया था, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये वाला माइनस अंदर कर दीजिए, माइनस y बराबर x, ठीक, ये चीज़ आ गई, ठीक है ना, यहाँ तक। अब देखिएगा ध्यान से, ये चीज़ इधर पहुँच गई, अब ये वाला साइन उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर साइन इनवर्स एक्स, वही चीज़ आ गई, क्योंकि साइन को फिर से वहीं पहुंचा दिया हमने, ये माइनस का वाई, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू ये है, वाई की वैल्यू क्या है, ये है वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर साइन इनवर्स एक्स, ये आ जाएगा। हमको क्या चीज़ चाहिए, साइन इनवर्स माइनस, तो ये माइनस उधर पहुँचा देंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर माइनस साइन इनवर्स एक्स, ये चीज़,
हो गई, प्रूव हो गई प्रूव, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर से y का मान रख दिया है, ये वाला देखिए, ये वाला y बराबर ये था, पूरा रख दिया, ठीक है, वे माइनस उधर पहुँचा दिया, तो यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, हो गई प्रूव। अवकलन का सवाल करेंगे, देखिएगा, ये y बराबर दे रखा tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, राइट। तो इसका अवकलन करना है, याद रखना, इसका डायरेक्टली अवकलन करोगे तो बहुत ज़्यादा लंबा बैठेगा, इसलिए हम इसको कुछ मानकर करेंगे। कुछ क्या मानेंगे कि यहाँ पर x की जगह पर कुछ पुट कर लीजिए, जब भी कभी भी नीचे अंडर रूट में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वेयर दिखाई दे तो x की जगह पर या तो साइन थीटा या आपका कॉस थीटा ही पुट करना है, ठीक है, साइन थीटा या कॉस थीटा ही पुट करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइन थीटा पुट कर ले रहा हूँ, माना x बराबर मैं साइन थीटा ले रहा हूँ। जब मैं साइन थीटा लूँगा तो यहाँ से ठीक थीटा की वैल्यू भी निकाल लीजिए, थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन x, साइन इनवर्स x, हमने मान लिया x बराबर साइन थीटा, ठीक है, जहाँ जहाँ पर x बराबर साइन थीटा, अब थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन इधर आ जाएगा तो साइन इनवर्स x हो जाएगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पर आपको वैल्यू आपकी दिखाई देगी थीटा बराबर साइन इनवर्स x, तो वहाँ वहाँ पर आपको क्या करेंगे, जहाँ पे हमें थीटा आएगा तो वहाँ पे थीटा की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए, तो ये वाली वैल्यू इस वाली समीकरण में पुट कीजिए, देखिए कैसे करेंगे पुट, y बराबर ये tan इनवर्स ऊपर है x, तो x की जगह पे क्या माना है हमने, साइन थीटा, और 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस x की जगह पर क्या माना है हमने, साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, x की जगह पर साइन थीटा और एक्स स्क्वेयर की जगह पर साइन स्क्वेयर थीटा, क्योंकि x की जगह पर साइन थीटा है तो स्क्वेयर करेंगे तो साइन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। y बराबर tan इनवर्स क्या आएगा, ये साइन थीटा है, ये 1 प्लस देखिएगा अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा होता है, ठीक, और स्क्वेयर से ही अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, y बराबर tan इनवर्स क्या आएगा, ऊपर साइन थीटा नीचे 1 प्लस कॉस थीटा, ये आ गया साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा। आप दो फॉर्मूले भली भांति जानते होंगे, क्या एक कॉस 2 थीटा का क्या होता है, कॉस 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, और एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है इन दोनों फॉर्मूलों को। इन्हीं का एक दूसरा भैया होता है कि यदि ये दो थीटा होते हैं तो यहाँ पे एक थीटा आता है, और यहाँ पे एक थीटा होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, आधा थीटा आएगा, कैसे, 2 कॉस थीटा बट्टे 2 माइनस 1, ऐसे ही साइन थीटा बराबर क्या होता है, 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, ये चीज़। तो ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर tan इनवर्स ये कितना, साइन की जगह पर 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, ठीक, नीचे 1 प्लस कॉस की जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 कॉस थीटा बट्टे 2 माइनस 1, ये आ जाएगा, 1 से 1 कट गया, y बराबर कितना आ गया, tan इनवर्स ये आएगा 2 साइन थीटा बट्टे 2 इंटू कॉस थीटा बट्टे 2, और नीचे 2 कॉस थीटा बट्टे 2, ये आ गया, 2 से ये 2 कट गया, कॉस थीटा बट्टे 2 से कॉस थीटा बट्टे 2 कट गया, 2 tan इनवर्स क्या आ गया, साइन थीटा बट्टे 2 आ गया, ठीक है, ये आ गया साइन थीटा बट्टे 2, ठीक। चलिए देख, सुनिए, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर आएगा, ये क्या होता है, ये वाला, ये कॉस स्क्वेयर, ठीक है, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वेयर थीटा बटे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये देखिएगा, ये स्क्वेयर है तो एक, देखिएगा, ऊपर कॉस थीटा बटे 2 है, नीचे कॉस स्क्वेयर थीटा बटे 2 है, तो कॉस यानी कि ऊपर x नीचे एक्स स्क्वेयर, तो एक से एक कट जाएगा तो एक बटे x बचेगा, वही चीज़ कॉस थीटा बटे 2 से कॉस स्क्वेयर थीटा बटे 2 एक हाथ कट जाएगी, तो नीचे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा साइन थीटा बटे 2, नीचे बचेगा कॉस थीटा बटे 2, ये आ गया। अब क्या हो जाएगा, y बराबर tan इनवर्स ये कितना, साइन बट्टे कॉस क्या होता है, tan थीटा बट्टे 2 आ जाएगा। अब देखिएगा, tan से tan कट गया, y बराबर क्या आ गया, थीटा बट्टे 2 आ गया, ठीक है, y बराबर क्या आ गया, थीटा बट्टे 2। और आगे सॉल्व करेंगे, y बराबर 1 बट्टे 2 इंटू थीटा, इतना लिख सकते, थीटा बट्टे 2 को कितना लिख सकते, इतना। अब थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बट्टे 2 गुणा थीटा का मान, कहाँ है थीटा का मान, ये रहा
साइन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन कर दीजिए, अब लिख देंगे अवकलन। अवकलन करने पर तो डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स एक बट्टे दो बाहर ले लेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स और साइन इनवर्स एक्स। और अब आप जानते हो क्या साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। यही उत्तर आ गया आपका, यही उत्तर आ गया आपका। जल्दी से कर लीजिएगा। इसको इतना भी लिख सकते हैं आप, टू अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वेयर। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कुछ नहीं। जल्दी से करिए, आगे बढ़ते हैं। जल्दी से कर लीजिए, बहुत जल्दी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।